राजस्थान में चुनावों से पहले पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग फूल पकड़ती दिखाई दे रही है। ERCP को लेकर राज्य भर में किसान संगठनों और NSUI की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में धौलपुर करौली सांसद मनोज राजौरिया को किसानों का विरोध झेलना पड़ा। करौली जिले में राजस्थान किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम मीणा और NSUI करौली जिला अध्यक्ष राजेंद्र मीणा विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया की गाड़ी पर चढ़ गए और हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। ERCP को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सांसद से उनकी मांग संसद में नहीं उठाने का आरोप लगाया। बता दें कि विरोध कर रहे युवा और कांग्रेस संगठन के लोग सांसद के गाड़ी पर काफी देर तक चढ़े रहे, जिससे वहां जबरदस्त हंगामा हो गया। वहीं किसानों ने इस हंगामे के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं, जिसका वीडियो आपको देखना चाहिए। विक्रम सिंह मीना ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, अब शुरू हो गया विरोध का दौर। साथियों, आज ERCP नेशनल प्रोजेक्ट बनाओ की मांग को लेकर करौली धौलपुर के सांसद मनोज राजौरिया का घेराव किया। 13 जिलों के 3 करोड़ लोगों के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान सांसद का गनमैन बीच बचाव करने आया, जिसके बाद किसानों की उससे झड़प हो गई। सांसद मनोज राजौरिया ने भी इस दौरान अपने गनमैन को पीछे हटाने को कहा और वह विरोध कर रहे लोगों से बातचीत करने की मुद्रा में दिखाई दिए। हालांकि किसानों ने सांसद की एक भी बात नहीं सुनी। वहीं नारेबाजी के दौरान किसान नेताओं ने सांसद को हाथ में तख्ती पकड़ उनकी मांग का समर्थन करने को कहा, लेकिन सांसद ने ERCP लिखी हुई तख्ती नहीं पकड़ी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने सांसद को खूब खरी खोटी सुनाई। गौरतलब हो कि करौली धौलपुर से बीजेपी सांसद पिछले दिनों राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ सपोटरा दौरे पर थे। इस दौरान ही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे किसान सांसद के काफिले को रोककर विरोध प्रदर्शन करने लग गए थे। इस दौरान किसानों और नेताओं के बीच जमकर बहस भी हुई। मालूम हो कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के किसान ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर CM अशोक गहलोत भी कई बार केंद्र सरकार को घेर चुके हैं। किसानों का कहना है कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिले के किसान पानी के संकट से जूझ रहे हैं और इस योजना से 13 जिलों को पानी मिलेगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही, वहीं ऐसी और भी खबरें पाने के लिए जुड़े रहें MIM News Express के साथ।